So let us start with the next topic in this chapter. So rotational dynamics के अंदर हमने circular motion के बारे में काफी कुछ already अभी तक देखा है और circular motion का पूरा vertical circular motion, uniform circular motion, non-uniform circular motion और उस सब applications जो है तो वो सब चीजें हमने already देखी है. Yes. तो अभी इसके आगे का जो topic है जैसे कि मैं last lecture में भी बताया था कि उसका इसके पहले टॉपिक के साथ ज्यादा इतना कुछ रिलेशन नहीं है. सो इट इज इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक. ओके. सो अभी इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर हमको सबसे पहला जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यस, वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी देखो, तुमको ऑलरेडी पता है कि इनर्शिया क्या होता है. ठीक है, नहीं इनर्शिया मतलब क्या, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इनर्शिया. दैट इज द नॉर्मल इनर्शिया, वी कैन से. ठीक है, नॉर्मली इनर्शिया इसको ही बोलते हैं. मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने के लिए ट्राई करता है, या अगर खड़ा है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने के लिए ट्राई करता है. तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज एक्चुअली द इनर्शिया, सिंपली इनर्शिया. बट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस द टेंडेंसी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रोटेशन. ओके, और द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट टू बी एट रेस्ट. ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी जो है जो रोटेट नहीं हो रहा है, जैसे फैन है, तो फैन अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा हमेशा के लिए. या अगर सपोज वो घूम रहा है, ऑलरेडी घूम रहा है किसी न किसी स्पीड से, तो वो घूमता ही रहेगा किसी न किसी स्पीड से, उसी स्पीड से हमेशा के लिए. सो दिस टाइप ऑफ द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द रोटेशनल इनर्शिया, या यू कैन जस्ट कॉल इट एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रिमेंबर, तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अर्थ, अर्थ इज ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस, अबाउट इट एक्सिस. सो इट कंटिन्यूस टू रिवॉल्व फॉर एवर. करोड़ों साल से वो घूम रहा है और इससे भी आगे जाके करोड़ों साल तक वो घूमता ही रहेगा, क्योंकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसका स्पीड चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका है, घूमने का जो इनर्शिया है, वही उसकी वजह से ही वो हमेशा के लिए घूमता ही रहेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से घूम रहा है. ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये जो टेंडेंसी होता है इसको हम रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं. अभी आप बोलेंगे फिर अगर सपोज अर्थ हमेशा के लिए घूम रहा है और हमेशा के लिए घूमता रहेगा, तो हम देखते हैं फैन जो है, फैन क्यों रुक जाता है? तो द रीजन बिहाइंड इट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस. एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस वहां पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल टॉर्क हमको बोलना पड़ेगा एक्चुअली. ठीक है, टॉर्क क्या होता है वो हमने ऑलरेडी फोर्स चैप्टर के अंदर या लास्ट ईयर लॉस ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया है. सो दिस फ्रिक्शनल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द फैन जस्ट टेंड्स टू स्टॉप इट. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली द फैन एक्चुअली स्टॉप्स. ठीक है, अगर कोई फ्रिक्शनल टॉर्क अगर नहीं होता तो फैन बहुत लंबे समय तक घूम सकता था. ठीक है, और इवन वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है. ठीक है, नहीं एयर रेजिस्टेंस भी वहां पे काम करता है जो कि उस फैन को रोकने के लिए काम करता है, और उसकी वजह से भी फैन रुकता है. और अदरवाइज अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, बॉल बेयरिंग्स के अंदर अगर फ्रिक्शन ना हो, तो ऐसे केस में ये जो फैन भी है, या फैन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकता है, हमेशा के लिए घूमना मींस कंटिन्यू करेगा. ठीक है, देयर इज नो अदर, इफ देयर इज नो अदर टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो दिस थिंग और दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो आई विल रिपीट, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कंसेप्चुअली उसका डेफिनेशन यही है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to oppose any change in its state of rest or state of rotational motion is actually called as the moment of inertia. But अभी इस जो definition से या इस formula से या इस definition से हम कभी भी उसका formula नहीं निकाल पाएंगे, या कभी भी उसको measure नहीं कर पाएंगे. So how will you measure this moment of inertia? How will you measure the tendency to oppose any change in its state of rest or state of rotational motion? तो वो measurement करने के लिए उसको सही तरीके से डिफाइन करना जरूरी है.
So if we just consider a particle which is revolving in a circle like this, तो ये समझो इस तरह से circular motion ये particle perform कर रहा है, ठीक है? या ये circle ये axis है और ये particle यहाँ पे है और इस तरह से घूम रहा है circle में, तो उसका कुछ ना कुछ radius होता है, ठीक है? ये suppose r is the radius of this particle and m is actually going to be the mass of this particle. Then we can just define the moment of inertia of this particle to be simply the mass into radius square. ये जो है, this is actually going to be the definition of moment of inertia. Remember correctly, what is the moment of inertia? The product of mass and square of distance from the axis of rotation. This is actually called as the moment of inertia of a single particle. अभी एक single particle का जो moment of inertia है, तो वो इस तरह से हमने निकाल लिया. mr square करके, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि the moment of inertia doesn't depend only on the mass of the particle, but it also depends on the radius. Okay, radius पे भी depend करता है, कितने distance पे वो है उसके ऊपर भी वो depend करता है. And why this square? इसका जो answer है, ये square ही क्यों हमने लिया define करने के लिए, mr square ही उसको कैसे क्यों define किया, उसका answer आपको actually आगे चल के इसी chapter के अंदर आगे चल के कुछ दो तीन डेरिवेशंस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो जस्ट होल्ड ऑन एंड जस्ट एक्सेप्ट फॉर अ व्हाइल दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? और यू कैन जस्ट से द स्क्वायर ऑफ रेडियस सिंपली. तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अर्थ का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सपोज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड अर्थ मास इज सपोज कैपिटल एम और स्मॉल एम, then we can just find out the moment of inertia of the earth about an axis passing through sun will be actually equal to m into r square, where m is going to be the mass of earth and r is going to be the radius of orbit in which earth revolves in this way. So is tarah se humne ek particle ka moment of inertia kaise nikalne ka wo dekh liya, theek hai? Ye humko samajh mein aa gaya. Obviously uske definition se humko kya milega, uska SI unit mil jayega. Dekho what will be the SI unit of this moment of inertia. Obviously, mass का unit होता है किलोग्राम और radius का unit होता है मीटर. So मीटर ना कि लेकिन इसका स्क्वायर है क्या, नहीं? इसलिए वहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, no doubt. And in the same way we can just find out the CGS unit also. तो CGS unit कितना बनेगा उसका? तो देखो मास का unit रहेगा ग्राम, correct है? And centimeter is the CGS unit of length. So but it's squared. So therefore we can just have this gram centimeter square. That is the CGS unit of this moment of inertia. Remember, and what is the conversion factor between these two units? Can you say? See, 1 kilogram meter square is actually going to be equal to. See, kilogram is 1000 times of a gram, and meter itself is 100 centimeter. Correct? So, लेकिन यहाँ पे meter square भी तो है ना? तो 100 का square अगर करेंगे, तो 10^4 हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे किलोग्राम का 10^3 और इसका 10^4 मिलके यहाँ पे मिलेगा 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है? ये याद रखो अच्छी तरह से. सो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. और वी कैन जस्ट सी इन दिस रिवर्स साइड दैट 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज गोइंग टू बी सेम एज 10^-7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ओके, सो दीज आर द अबाउट यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. And what about the dimensions? क्योंकि नया quantity है ना, first time हम इसको introduce कर रहे हैं, तो इसके बारे में पूरा जो information है, वो हमारे सामने होना जरूरी है. What are the dimensions of moment of inertia? Can you tell me? देखो, it depends on the mass. M1, L2. Very good, very good, very good. It will be M1 and L2. That's it. Just because it depends on mass directly and radius square also directly. Therefore, M1 and L2 will be actually the dimensions of moment of inertia. और रही बात कि वो वेक्टर है या स्केलर है, तो by default we can just consider it as a scalar for a while. Actually जब हम higher studies में जाएंगे तो तुमको ये पता चलेगा कि वेक्टर और स्केलर्स इन दोनों के अलावा भी कुछ quantities होते हैं. अभी अभी फिलहाल इस level पे तुमको ये बहुत surprising लगेगा कि how can be a quantity neither be vector nor a scalar. And what can we call it then? So actually वैसे भी quantities होते हैं जिनको हम vector नहीं बोल सकते, scalar भी नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि देखो scalar क्यों नहीं बोल सकते,
क्योंकि चलो ठीक है उसका मैग्नीट्यूड तो है नो डाउट, लेकिन अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन जो है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ स्केलर नो डाउट, बट अभी एट द सेम टाइम उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, ये आगे चल के भी हमको ये सीखना है, ऐसा जो क्वांटिटी होता है कि जिसका डायरेक्शन मतलब जिसका वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट वेट मैं दिखाता हूं, सपोज वी हैव दिस ऑब्जेक्ट हियर, दिख रहा है सभी को? यस ओके, तो अभी चलो इसको अगर मैं इस तरह से अगर घुमा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा हेवी है इमेजिन करो इसका ठीक से, तो इसको अगर इस तरफ ऐसे अगर घुमा देता हूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, समझ सकते हो ठीक से? अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा अगर घुमाता हूँ तो जरूर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, इमेजिन करो ठीक से, और इसी ऑब्जेक्ट को मगर अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, देखो ऐसे घुमा रहा, तो ऐसे केस में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिर से कुछ और ही होगा, ये हम समझ सकते हैं, या इवन इसको ऐसे भी तो घुमा सकते हैं ठीक है, ऐसा घुमा सकते हैं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फिर से और कुछ और ही होगा जरूर, इवन इसको ऐसे भी तो घुमाया जा सकता है, देखो द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सपोज पासिंग थ्रू लाइक दिस पॉइंट इन दिस वे कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर में से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो इस तरह से अगर वो रोटेट होता है तो ऐसे केस में भी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ और ही होगा, या इवन ऐसे भी तो उसको घुमाया जा सकता है, देखो ठीक से इस तरह से, देखो कितने नंबर ऑफ वेज है उसको घुमाने के, एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको हम किसी कितने अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं, देखो तो अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा जरूर, या अगर ऐसे घुमा दिया जाता है तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, सो यू कैन अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट से दैट द ऑब्जेक्ट इज द सेम नो डाउट, बट व्हेनेवर वी रिवॉल्व इट अबाउट एन एक्सिस सो इट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया will have the different values about different axis actually. तो इसलिए यहाँ पे ये बनता है कि ये जो moment of inertia जो है वो भले ठीक है vector नहीं है no doubt, लेकिन उसके जो values है वो अलग अलग axis के about अलग अलग होते हैं, इसीलिए इस moment of inertia को हम ना vector के category में डालते हैं ना ही scalar के category में categorize करते हैं, बल्कि उसको tensor कहा जाता है tensor. ऐसे कई सारे क्वांटिटीज हमको 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आगे चल के भी मिलने वाले हैं जिनका टेंसर कहा जाएगा ठीक है, टेंसर इट इज नाइदर अ वेक्टर नॉर अ स्केलर बट इट इज कॉल्ड टेंसर, एंड व्हाट इज टेंसर, रिमेंबर टेंसर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सिंपल सी चीज, आई विल रिपीट अगेन, द टेंसर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होता है, उसके दूसरे एग्जांपल्स भी हमको अभी चल के देखने हैं, जैसा कि रेडियस ऑफ वेरिएशन इसी चैप्टर में हमको देखना है और एक टेंसर क्वांटिटी, और आगे जाके इवन लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर तुमने देखा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस इज अ क्वांटिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेंसर क्वांटिटी, ओके द स्ट्रेस इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल अलग होता है लैटरल अलग होता है, तो इसलिए स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो अलग अलग एक्सिस में या अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होता है, इसलिए उसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है, चलो ठीक है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली जस्ट रिमेंबर दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी अ टेंसर क्वांटिटी, ओके बट सो फार एज द लो लेवल इज कंसर्न, मतलब जब अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो यू कैन जस्ट कंसीडर इट एज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ओके यस सो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट अभी ये तो चलो हमने एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया नो डाउट, बट इफ वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, अभी सबसे पहले हमको ये भी डिफाइन करना होगा व्हाट इज अ रिजिड बॉडी एक्चुअली इज, तो रिजिड बॉडी मतलब क्या, जस्ट लाइक अभी जो मैंने ये बॉडी लिया था ये देखो ये एक बॉडी जो है इसको भी हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, या कोई भी एक पत्थर या कोई भी एक सॉलिड मटेरियल सॉलिड स्फीयर हो या सॉलिड क्यूब हो या कोई भी एक मटेरियल ऐसा जो कि फिक्स्ड है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और उसके जो पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह पे ही रहने वाले हैं,
ठीक है, अभी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिकल जो है वो अगर घुमा दिया जाए तो वो दूर दूर जाके बैठ जाए, जो जैसे लिक्विड के अंदर होता है, अगर लिक्विड को हम अगर घुमाते हैं तो उसके सारे जो पार्टिकल्स है वो दूर 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 भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द पार्टिकल्स मस्ट रिमेन एंड ऑन देयर लोकेशंस इवन इफ द बॉडी इज रिवॉल्व विद अ वेरी हाई स्पीड। अगर किसी बॉडी को हमने भी बहुत बहुत ज्यादा हाई स्पीड से भी अगर घुमा दिया तभी भी वो बॉडी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टूटना फूटना नहीं चाहिए, तो उसको रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। नहीं तो अगर एग्जांपल अगर कंसीडर कर लो कि सपोज क्ले का बना हुआ कोई ऐसा अगर सपोज एक बॉल है और उसको अगर हम सपोज घुमा देंगे और जैसे ही घुमा दिया तो उसका आधा टुकड़ा इधर गया आधा टुकड़ा उधर गया और वो दो टुकड़े हो गए और बीच में इतना सा बचा, दैट इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ओके, सो रिजिड बॉडी इज गोइंग टू बी द बॉडी हुज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स relative distance between the particles remains constant whatever force is applied on the body. jitna bhi kitna bhi force apply kiya jaye tabhi bhi relative distance jo hai relative position jo hai do particles ka badalta nahi hai, aise body ko rigid body kaha jata hai. theek hai, so whenever the rigid body is revolved, to so abhi yahan pe to humne ek particle ko ghumaya tha, lekin agar maan lo ki ek rigid body hai is tarah ka aur usko humne is axis ke about ghuma diya, ये सपोज एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट इसको मैंने घुमा दिया, इस तरह से अगर वो परफॉर्म करेगा रोटेशनल मोशन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एवरी पार्टिकल विल जस्ट रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन। सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m1, इट विल रिवॉल्व इन द रेडियस ऑफ r1। सपोज देयर इज अनदर पार्टिकल हियर व्हिच इज ऑफ मास m2, इट विल रिवॉल्व इन रेडियस r2, लाइक दिस। इवन हियर वी कैन जस्ट कंसीडर द पार्टिकल व्हिच इज लोकेटेड एट r3 डिस्टेंस and with the mass m3 in this way. Even there will be many particles like this here also, in this side also. So m4 we can just consider at a distance r4. Here may be the m5, which is at a distance of r5 from the axis. Here again we can just see considered as m6, which is at a distance r6, like this. So these are all the different particles. We can just draw infinite number of particles. और चलो अगर बॉडी अगर इस तरह से अगर बना हुआ है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो उसके अंदर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, राइट? एंड वी कैन जस्ट फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड जस्ट एड अप टुगेदर सो एज टू हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। ओके, तो पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे निकालना है हमको? सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, which can be found out by the same formula, that is m1 r1 square, okay, plus the moment of inertia of the second particle, which is going to be m2 r2 square, plus the moment of inertia of the third particle, that is going to be m3 into r3 square, and so on up to the last one. Ab yahan pe to 6 hi likha hai, lekin it may be n, to kitne bhi number of particles usme ho sakte hai jisko hum mn rn square se denote karenge. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके, एंड वी कैन जस्ट राइट डाउन दिस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इन दिस वे, सो वी कैन जस्ट से दिस विल बी समेशन ऑफ, तो समेशन ऑफ इस 1 2 3 4 को हम वेरिएबल बना देंगे, वेरिएबल। अगर उसको वेरिएबल बना दिया तो फिर सिर्फ पैटर्न हमको लिखना होगा, दैट इज एम आई इंटू आर आई स्क्वायर एंड वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 टू n, then we can just be able to get all these terms by changing the values of I from 1 to n here, correct? So in this way we can just get this compact form of this definition of moment of inertia. Okay, so summation of mi ri square just as I runs from 1 to n will be actually called as the moment of inertia. Okay, remember this correctly. And even isse bhi aage jaake इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मॉडिफाइड डेफिनेशन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स ऑल। सिंपली आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and the square of its distance from axis of rotation is actually called as moment of inertia. Okay, yes.
So we already seen the concept of moment of inertia here, which tells us simply that the moment of inertia of a rigid body can actually be defined as the sum of product of mass of each particle and the square of its distance from axis of rotation. तो हर एक पार्टिकल का मास हमको लेना है, उसको उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना है, और जब हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे उसको तो उससे हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पूरे बॉडी का. लेकिन दिस डेफिनेशन विल वर्क ओनली व्हेन द बॉडी कंटेन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट. कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर है तो उस केस में ये डेफिनेशन वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग नहीं होता है, ठीक है. जैसे कोई सॉलिड स्पीयर अगर है तो सॉलिड स्पीयर के अंदर अगर हम उसको अगर ब्रेक करते जाए तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल से बहुत नजदीक नजदीक फिट किए हुए होते हैं. तो ऐसे केस में हमको ये बहुत मुश्किल होगा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनना. और ऐसे केस में जब बॉडी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जब मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो होमोजीनियसली एंड यूनिफॉर्मली, देन इन दैट केस द समेशन विल नॉट वर्क, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी विल हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. ओके, तो उस केस में हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सो कंसिडर अ बॉडी, सपोज यहाँ पे मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ. देखो, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एनी शेप ऑफ एनी मैनर एंड सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज यहाँ पे है और ये कोई भी एक एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एलिमेंट. अब यहाँ पे पार्टिकल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. एलिमेंट ऑफ मास डीएम, dm is the mass of element which is going to be very very small. It is so small that it's just about to vanish in this way. So it is very small mass and this dm will be at a distance suppose r from the axis of rotation. Then the moment of inertia of that particular element, one particular element, can be actually to be obtained as r square into dm according to the same formula, correct hai, r square into dm. Ulta likha to bhi chalega, koi problem nahi. तो ये r square dm, ये हो गया एक पार्टिकल का या एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे हजारों पार्टिकल्स इस बॉडी के अंदर होंगे जो कि अलग अलग डिस्टेंसेस पे रहेंगे. तो इन सभी पार्टिकल्स का मास और उनका रेडियस का स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करके एड करते चले जाएंगे तो उससे हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ समेशन के बदले इंटीग्रेशन आ गया क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी है ये बॉडी एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसीलिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि दिस इज वन पार्टिकल एंड दिस इज द अनदर पार्टिकल. एक पार्टिकल कहाँ पे खत्म होता है और दूसरा पार्टिकल कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये जब पता नहीं चलता है तो उसको हम बोलते हैं बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है. द मास ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वी कैन जस्ट से दैट द बॉडी इज होमोजीनियस. तो ऐसा होमोजीनियस बॉडी जब होता है तो ऐसे केस में हमको इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इनटू डीएम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा ठीक से. सो वी हैव ऑलरेडी सीन द थ्री फॉर्मूले फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वन इज एम आर स्क्वायर व्हिच इज ओनली फॉर अ सिंगल पार्टिकल व्हेन इट इज रिवॉल्विंग विद द रेडियस आर. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर व्हिच इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी कंटेन्स द फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वी कैन डिस्टिंग्विश वन पार्टिकल फ्रॉम अनदर. And this third formula is just that is integration of r square into dm, and this is to be used only when the body, the mass of the body is distributed uniformly in the interior. Okay, so this is all about the concept of moment of inertia. Okay, yes, let us try a simple question to understand exactly how we have to calculate the moment of inertia. Okay, ek simple sa question hai. Dekho, suppose we have the four masses, four particles of mass suppose 3 kg, 2 kg, 1 kg and 5 kg, okay, are kept at the corners, four corners of a square A B C D. Okay, let me say
इस ए बी सी डी के अंदर ये इस तरह से ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब 3 किलोग्राम का जो मास है वो ए पार्टिकल ए पॉइंट पे रखा हुआ है स्क्वायर के, 2 किलोग्राम का मास बी पे, 1 किलोग्राम सी पे, 5 किलोग्राम डी पे, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है. सो द क्वेश्चन हियर इज दैट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट फॉर्म है उसका एम आई. ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. ओके, अबाउट ओके नंबर वन एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए सी, सॉरी एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी. ओके नंबर टू एक्सिस पासिंग थ्रू सपोज ए डी एंड नंबर थ्री इज द एक्सिस पासिंग थ्रू ए सी. ओके यस लेट्स ट्राई दिस. So we can just draw the diagram first. See, 4 particles of mass 3, 2, 1, 5 kilogram are kept at the 4 corners of a square ABC. So the diagram will be like this. Suppose this is the square A, B, C, D. Okay. Okay. And side bhi chahiye na? Yes. Of side, suppose 10 centimeter. Dikh raha hai na? I just consider, okay, 10 centimeter side. Okay, side of the square is going to be 10 centimeter. Obviously, it's a square, so all the sides will be equal, no doubt. But here, the particle of mass M1 is kept, which is given to be 3 kilogram. Okay, here the particle of mass 2 kilogram is kept at point B. 3 M3 is of 1 kilogram here, and the fourth particle is of mass 5 kilogram, which is kept here. Okay, now let us try to find out the answer of this first question here. That is, we want to find out the moment of inertia about this axis passing through AB. So let us consider the axis passing through this AB here. Sorry, AB kaisa hai? Dekho, aisa hai. Okay, ye hamara axis hai. To uska matlab aisa hai ki ye dekho. अगर ये एक्सिस ऐसा है और ये बॉडी ऐसा है, मतलब अभी यहाँ पे इमेजिन करो कि ये जो स्क्वायर है और वो स्क्वायर एक्चुअली 4 particles का बना हुआ है, 4 particles यहाँ पे है, तो जब ऐसा एक्सिस होगा तो बॉडी कैसे घूमेगा? जरूर ऐसे घूमेगा कि नहीं? ठीक है, कैसे घूमेगा? तो जब ये बॉडी घूमेगा तो उस केस में क्या होगा, देखो ये जो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए विल ऑलरेडी बी ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? सो इट्स ओन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम जीरो. Even at the point B also, B का जो पार्टिकल है, B वाला पार्टिकल जो है, उसके ऊपर जो 2 kilogram का मास रखा हुआ है, वो भी B point पे रखा हुआ है, इसलिए उसमें से ही एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रहा है, तो वो तो खुद के ऊपर घूम रहा है, तो वो तो स्पिनिंग हो गया, so it will not contribute in the moment of inertia, okay? Moment of inertia पे कौन contribute करेगा? सिर्फ पार्टिकल एट D एंड पार्टिकल एट C. So we can just construct the formula for moment of inertia in the first question. So I AB, we can say IAB मतलब क्या? Moment of inertia of the body, the whole system about an axis passing through AB. Okay? तो इस axis के about moment of inertia कितना होगा? So we can just say M4 into AD square. समझा ठीक से? M4 into AD square. क्योंकि जब ये ऐसा घूमेगा तो ये पार्टिकल AD जो है ये उसका रेडियस बन जाएगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला आएगा M4 into AD square plus ये जो पार्टिकल है M3 पे जो प्रेजेंट है, C पे जो प्रेजेंट है, उसका रेडियस BC बनेगा, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं M3 into CD square. Okay, where M4 is already given, that is 5 into AD square. AD is already 10 centimeter, so you can call it as 0.1 meter. Okay, just because it is in centimeter, तो उसको कन्वर्ट करना जरूरी होगा, तो वो 0.1 meter बन गया. तो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया उसको, तो 0.1 meter per whole square plus M3 is going to be 1 and multiplied with 0.1 square once again in this way. So this will be actually the final result.
which will be actually 5 into 0.01 plus 1 into 0.01. So that it actually becomes, if you can just take this 0.01 out, then we can be able to get this 5 plus 1 inside. That is multiplied by 0.01, so that it becomes 6 into 0.01, and that means it becomes 0.06 kilogram meter square. That's it. So here we can just find out the moment of inertia in this way. Getting all these things? Yes. Let us go to the next question. Yeah, first question ka answer tha. If we just talk about the second one, we can just talk about. So axis passing through the AD. Abhi dekho, this axis is no longer passing through AB in this case here. Now the axis is passing through AD. ऐसे अगर axis है, तो देखो, check करो अब यहाँ पे. अगर axis ऐसा बन गया, समझो ये axis है, तो ये पूरा body जो है ऐसा घूमेगा कि नहीं? अगर ये body ऐसा घूमने लग गया, तो AB will be the radius for the particle at mass m2, right? And DC will be the radius for the particle present at point C here, correct? And that's why we can just say that the total moment of inertia will actually be found out easily. Yes, very good, Kashish. And also, to nahi aayega. Check kar ek baar. Yes, dekho likha hai yahan pe. Agar AB axis ho gaya, to ye particle jo hai khud ye contribute nahi karega. Ye particle bhi contribute nahi karega. Baki contribute kaun karega? B और C पे जो प्रेजेंट है वही कंट्रीब्यूट करेंगे. तो वी कैन जस्ट से आई ए डी विल एक्चुअली बी इक्वल टू एम टू इनटू देखो ए बी का स्क्वायर, ओके ए बी स्क्वायर प्लस हियर इट इज एम थ्री इनटू सी डी डी सी स्क्वायर, करेक्ट है? सो दिस इज डी सी स्क्वायर. इफ यू जस्ट टेक एम टू एज टू इनटू 0.1 का स्क्वायर प्लस M3 is 1 into 0.1 का square फिर से, तो हमको मिलेगा 2 into 0.1 का square, that is 0.1 plus 1 into 0.1 का square 0.01, which actually becomes 3 into 0.01 मतलब 0.03 kilogram meter square, correct है? So in this way we can just find out the moment of inertia here. Yes, and last, if you just talk about this third question here, that is the axis passing through AC. Okay, so moment of inertia about AC we want to find out. Yes, now it is somewhat difficult just because, see, now the axis of rotation is going to pass through these two points here, A and C actually. So agar A aur C ko agar hum joint kar denge to humko axis aisa milega, barabar hai? Abhi jab aise ghumega pura body to A ka jo khud ka moment of inertia hai wo to zero ho jayega. क्योंकि ए पार्टिकल विल नॉट कंट्रीब्यूट इन टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ऑल एंड इवन सी ऑल्सो विल नॉट कंट्रीब्यूट हियर इन केस इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स बी एंड डी विल कंट्रीब्यूट देयर ओके एंड इफ यू जस्ट फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम चाहे तो ओ बोल के रख सकते हैं आराम से इफ यू जस्ट कॉल दिस पार्टिकल पॉइंट एज ओ हियर देन ओ बी विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्सिस करेक्ट है And even OD will be actually the perpendicular distance of point D from the axis here. And hence we can just construct the formula for IAC, which will be actually M2, okay, M2 into OB square, okay, OB square plus here it is M4 into this OD square, correct? OD square. Yes. So now here the important question is that how will you find out this OB here? OB कैसे ढूंढ के निकालेंगे? First of all, we'll have to find out BD by using the Pythagoras theorem, or simply using the fact that the diagonal of a square is always root 2 times of the side of the square. ये पता है सभी को? Okay, so we can just say that diagonal of the square मतलब BD जो रहने वाला है, वो actually root 2 times of side of the square रहने वाला है. मतलब ही 10 रहने वाला है. तो BD का वैल्यू कितना हो गया? 10 root 2 हो गया. Obviously it is going to be in centimeter, okay? तो ये अभी तक सेंटीमीटर में है, ठीक है? अभी BD तो हमको मिल गया, but we want OB ना? तो OB के लिए क्या करना होगा? इस 10 root 2 को आधा करना होगा और क्या करना होगा? तो इसलिए we can just say that OB
which is same as OD, and that is going to be actually 1 by 2 times of BD, which is actually 1 by 2 times of 10 root 2, which is actually going to be, so we can say OB and OD are same, and they are actually 5 root 2 centimeter, which can be converted into meter just by multiplying it by 10 raised to minus 2 here. Yes. So, अभी यहाँ पे अगर हमको ये मिल गया है, OB मिल गया, OD मिल गया, so we can just construct this IAC now. So IAC will be actually, yes, M2, which is actually 2 into OB ka square. What is OB? Just don't forget, it is 5 root 2 and it's square. Okay, so 5 root 2 ka square. But just again, don't forget that it is in centimeter. So we have to convert it into meter. So let us square it and into 10 raised to minus 4, बाहर में लिख देंगे. क्योंकि वो मीटर सेंटीमीटर में था, ओके. प्लस यहाँ पे फिर वापस आ जाएगा M4. M4 is actually going to be 5, and that is multiplied with this OD square. OD is again 5 root 2. So 5 root 2 का square or 10 raised to minus 4 as it is. So has to convert this centimeter into meter square. Okay. So if we just solve this further, then we can be able to get this 2 into what is this? 5 root 2 का square जो बनता है actually 50, okay, 50, and that is multiplied with 10 raised to minus 4 plus here it is 5 into 50 once again, and that is multiplied with 10 raised to minus 4 here. So in the next step, we can just say it will actually be अभी 2 into 50 कितना बनता है 100. So we can say it will be 100 10 raised to minus 4 plus here it is going to be 250, and again it is into 10 raised to minus 4. You can just take this 10 raised to minus 4 common and tell you this call this 100 plus 250, and this 10 raised to minus 4 just kept outside. Okay, so it will be actually 350 into 10 raised to minus 4, which will actually make it as, yes, 4 digits. If you shift karenge point ko, to yahan pe milega humko 0.035 kilogram meter square. This is actually going to be the value of IC. You can see, sorry, IAC. समझे आप देख से? Is there any doubt? अगर कुछ भी doubt है तो जरूर पूछो. Just unmute yourself and just ask the doubt fast. Otherwise, just take the screenshot of this. फिनिश दिस. ओके, अभी ऐसा करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछूं, आंसर कर सकते हैं. ऑब्वियसली सेम टाइप का ही है, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है. देखो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर. मतलब एक्सिस जो है, तो एक्सिस सपोज अभी ऐसा रहने वाला है. देखो, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस. यस, नाउ हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल के दिखाएंगे? जस्ट डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर डायरेक्टली. दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस हियर. ये ऐसा एक्सिस रहने वाला है. इसके अबाउट अगर पूरा बॉडी को इस तरह से अगर घुमा दिया जाए, तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हमको ढूंढ के निकालना है. समझा क्वेश्चन सभी को? यस, वी कैन से दैट द फोर्थ क्वेश्चन हियर इज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through O and perpendicular to the plane or perpendicular to the square. Okay, perpendicular to the square and passing through the point O here. ऐसा axis है, ऐसा. तो ऐसे axis क्या बोलते, पूरे body को अगर घुमा दिया जाए तो उसका moment of inertia कितना बनेगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? Sir. Yes. It's 0.055 kg per meter square.
सॉरी केजी मीटर स्क्वायर. यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके सो व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी सब ने भी किया है? यस स्पेशलिस्ट ने भी किया. वेरी गुड. चलो ठीक है. सी हियर एक्चुअली द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस. IO is equal to M1 into AO, OA square, okay? OA square plus, here it is, M2 into OB square, yes? Plus, M3 into OC square, correct? And last is that M4, okay? So, here it is, M4 into OD square, yes? But as we already know that is, OA, OB, OC and OD. All of these are going to be the same. And each of them is going to be actually 5 root 2. Correct? अभी अभी हमने निकाल के दिखाया. ये जो OB है या OA है, ये सभी के सभी 5 root 2 के बराबर है. 5 root 2 obviously centimeter. Okay, so if we just take this common, तो OA square को अगर हम common ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? Simply M1 plus M2 plus M3 plus M4 बचेगा. That's all. And if we just put this OA as 5 root 2 square and this M1, M2, M3, M4 already are available there. So it will be 3 plus 2 plus 1 plus 5. But don't forget to multiply this by 10 raised to minus 4. Just because this 5 root 2 is already in centimeter square, right? For centimeters actually. And it's square here. So therefore, here it will be 50. Or here in bracket, 3 plus 2, 5, 5 plus 5. 10 plus 1, 11. So here it is 11, and that is multiplied by 10 raised to minus 4 here. So that it actually becomes 550 into 10 raised to minus 4, which actually makes it as 0.055. That's right. Correct. Okay. So this will be actually the moment of inertia of this whole system about that given axis. Yes. Agar tumko bola ki we want to find out the moment of inertia of the same system about an axis passing through point A, चलो point C and perpendicular to the plane of the square. Yes, passing through the point C and perpendicular to the plane of the square. ऐसा अगर axis है, उसको हम IC बोल सकते हैं. IC, how much it will be? अभी देखो ऐसा एक्सिस रहने वाला है. दिखा सकते हैं एक्सिस? ये देखो, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस इन दिस केस. ओके, अगर ऐसा एक्सिस हो तो इस केस में क्या होगा कि पूरा बॉडी जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा. तो इस M2 के लिए ये रेडियस बन जाएगा, M4 के लिए ये वाला डिस्टेंस रेडियस बन जाएगा, और A पॉइंट के लिए ये वाला डिस्टेंस रेडियस बन जाएगा. समझा ठीक से? तो इसलिए हमको हर एक का रेडियस निकाल के उसके स्क्वायर करके उसके मास से उसको मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. So see here, yes, तो IC हमको निकालना है. तो उसके लिए हम देख सकते हैं फॉर्मूला कैसा बनेगा. तो अभी इसमें एक बात समझो, इसमें ठीक से कि C पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है M3, उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बैठा है. जो पॉइंट खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रहता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो बनता है. ठीक है, तो C का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं. बाकी सबसे पहला हम बात करेंगे B के बारे में, जो कि M2 है. So M2 should be multiplied with BC square, okay? So here it is going to be BC square plus this M, M4 is located at a distance CD. So you can just call it as M4 into CD square. Similarly, this A, M1 is located at AC actually. So AC square यहाँ पे आ जाएगा. समझा क्या लिख सकते हैं? हर एक पार्टिकल का मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, यही हमको करना है. सभी के अंदर हमने वही किया है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो M2 which is actually going to be 2 that should be multiplied by BC square and BC is actually 0.1, right? So 0.1 और उसका square plus M4 actually it is 5 and that is multiplied with CD square. CD is again 0.1 और उसका square plus M1 which is 3 and AC square. अभी फिर से हमको प्रॉब्लम आएगा AC. AC how will you find out? AC is actually going to be just diagonal of the square and we know already that this diagonal of the square is always root 2 times of its side. ठीक है, नहीं कोई भी किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो है
वो हमेशा साइड का रूट टू टाइम्स हुआ करता है, तो इसलिए साइड अगर 0.1 है तो डायगोनल क्या होगा, रूट टू टाइम्स ऑफ 0.1, दैट्स इट। सो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं AC के बदले 0.1 into √2, ओके, एंड उसका स्क्वायर, यस, एंड देन वी कैन जस्ट सॉल्व दिस फर्दर, सो हैज टू गेट दिस 2 into 0.01 प्लस हियर इट इज 5 into 0.01 एंड हियर इट इज 3 into, इस रूट टू का स्क्वायर बन गया 2 और 0.1 का स्क्वायर फिर से 0.01, ओके, सो दैट वी कैन जस्ट टेक दिस 0.01 कॉमन, सॉरी 0.01 अगर बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचेगा रहेगा, तो यहां से 2 बचेगा, यहां से 5 बचेगा और उस तरफ से 6 बचेगा, एंड इफ यू जस्ट ऐड दिस अप देन वी गेट दिस 0.01 into, हाउ मच इज दिस, 13, सो वी कैन जस्ट हैव दिस एज 0.13 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एज द फाइनल आंसर फॉर दिस अबाउट क्वेश्चन, ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो एंड नो डाउट if you have some question just put it in the chat box or unmute yourself and get it clear. Okay, no doubt. Yes, if suppose the same question is asked like this, A is the point through which the axis of rotation passes and the whole body rotates about. Accordingly, the formula will be constructed and the answer will be found out in the same way as we have done it here. Yes, okay, so in this way, we can just find out the moment of inertia. So this is all about the moment of inertia. Yes, so yes, aajke lecture mein humne मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट डिटेल में देखा, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियस ऑफ वेरिएशन का जो कंसेप्ट है तो वो देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ सम्स भी करेंगे, ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर दिस लेक्चर, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।